आज किन किन योजनाओं का मैम जांच किया गया है? आज सात निश्चय योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया गया है, जिसमें गली नली, नल जल, हर घर बिजली लगातार, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में इस योजना के साथ साथ जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ हो चुका है। इसके लिए जागरूकता भी फैलाई गई है एवं कार्य स्थल भी चिन्हित किया गया है कि किस जगह ये लोग कार्य कर सकते हैं। चापाकल के बगल में सोखता का निर्माण, कुआं के बगल में सोखता का निर्माण, इसके अलावा पुराने जो हमारे कुएं हैं उनका जीर्णोद्धार एवं बड़े बड़े जो तालाब पोखर हमने यहाँ पर चिन्हित किए हैं उनका जीर्णोद्धार का कार्य लिया जाएगा। सब लिखा हुआ है क्या करना है, और बच्चा का भी जो सुइया है उसमें लिखा रहता है, देखिए है ना, ये आपका पहला ये बच्चा का है ना, इसमें लिखा हुआ है कि आपका ये बच्चा का है, ये लिखाएगा डीएम मैडम बता रही हैं आपको सब लिखा है नहीं। ये कागज एकदम अच्छे से रखिए, 16 साल तक चाहिए। बच्चा का क्या नाम? बाहर आता है सो है। क्या पानी बचाना चाहिए ना, क्या बच्चों को पढ़ाया नहीं गया है पानी को बचाना चाहिए कि नहीं? पानी को बचाना चाहिए, नहीं तो जब तुम बड़ा होगा तो फिर पानी खरीद के ही पीना पड़ेगा, पानी रहबे नहीं करेगा नीचे, समझ गया? ये लोग तो बर्बाद करके चल जाएंगे, ठीक है? जब तुम लोग बड़ा होगा, तुम्हारा बच्चा होगा, तब फिर पानी नहीं मिलेगा, तो जैसे डब्बा में दिखता है ना, सबको वैसे खरीद खरीद के पानी लाना होगा, इसलिए पानी को बचाना है, ठीक है? और पेड़ पौधा भी लगाना है, समझ गया? सब घर में सिखाना, नहीं तो पापा मम्मी तो बूढ़े हो जाएंगे, फिर जब तुम लोग का बच्चा होगा तो पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो कैसे पानी पिएगा? क्या पानी बचाना चाहिए ना, क्या बच्चों को पढ़ाया नहीं गया है पानी को बचाना चाहिए कि नहीं? पानी को बचाना चाहिए, नहीं तो जब तुम बड़ा होगा तो फिर पानी खरीद के ही पीना पड़ेगा, पानी रहबे नहीं करेगा नीचे, समझ गया? ये लोग तो बर्बाद करके चल जाएंगे, ठीक है? जब तुम लोग बड़ा होगा, तुम्हारा बच्चा होगा, तब फिर पानी नहीं मिलेगा, तो जैसे डब्बा में दिखता है ना, सबको वैसे खरीद खरीद के पानी लाना होगा, इसलिए पानी को बचाना है, ठीक है? और पेड़ पौधा भी लगाना है, समझ गया? सब घर में सिखाना, नहीं तो पापा मम्मी तो बूढ़े हो जाएंगे, फिर जब तुम लोग का बच्चा होगा तो पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो कैसे पानी पिएगा?